का दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। मुसर्रत परवीन केवटी 3/2 क्षेत्र से जिला परिषद उम्मीदवार है। इंतजार उप डब्ल्यू जो निवेदक है, आज उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया केवटी से। आपको बता दें काफ़ी भीड़ इनके प्रशंसकों की, और जो साथ में इनके कह सकते हैं वोटर भी है, इन्होंने इस रैली में आगे बढ़ चढ़ कर इनका हिस्सा लिया। अपने 3/2 क्षेत्र के 6 पंचायतों में इन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद शाम के वक्त पत्रकारों से विशेष वार्ता में इन्होंने क्या कहा, उसे भी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से उनको जनता इस बार देख रही है जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में। इसकी जरूरत है, इससे पहले वाले कैंडिडेट बस जीत कर घर बैठ गए जाकर। अच्छा। समझ गए, ये किसी पोस्ट पे ना रह के भी सोशल वर्क बहुत किए हैं ये। अच्छा, विपक्ष में जो अगले बार थे जो जिला परिषद चुनाव हार गए, वो 5 साल विपक्ष में रोल अदा किया। विपक्ष का भी वो आज तक नजर ही नहीं है 5 साल। क्या नाम था उनका? विपक्ष वंश कुमार यादव। वो तो वर्तमान में थे जी। इनके सामने जो चुनाव लड़े थे दूसरे नंबर पर कौन थे? उससे पहले जो थे, जो उनके साथ चुनाव लड़े थे, साथ जिनको पराजित किए थे यदुवंश जी। हाँ हाँ, अगेंस्ट में थे, वो थे यहाँ गाँव के। इस बार जो सबका माहौल मिजाज बना हुआ है कि डब्ल्यू जी जीत रहा। उर्फ मोहम्मद इंतजार जी, डब्ल्यू जी आप तो कई वर्षों से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये देखने को भी मिला है, लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ी रैली निकाली, क्या संदेश देना चाहते थे अपने 3/2 जो जिला परिषद का क्षेत्र है? संदेश यही दे रहे हैं कि हमारे साथ आदमी समर्थन है, सहयोग है, मोहब्बत करते सब चाह रहे हैं, सब लोग आए हमारे फोन से, सब के सब आ गए। नहीं, हम आपके साथ हैं तो आपके हर पल साथ रहेंगे। इसीलिए एक तरह से जन सलाहबाज उतरा हुआ था, जो देखने को भी मिला। अच्छा, खास बात तो ये बताइए कि लंबे दौर से आप अपने 6 पंचायत में दौरा कर रहे हैं, चुनाव से पहले भी, और चुनाव का डिक्लेयर भी नहीं था, बाढ़ में भी आपने काफ़ी मदद किया लोगों का, वो भी बहुत सारे मीडियाओं में दिखा है और लोग भी जानते हैं, क्या लग रहा, कौन है आपके टक्कर में? कौन है? मैं हूँ। ये उम्मीद है जनता उसे पसंद करेगी, जो बाहर में जो परेशान रहता है उसका हाल चाल जानने, जनता उसे पसंद करेगी। कह दिया कि इंशाल्लाह हम एक एम्बुलेंस देंगे अपनी आवाम को, जनता उसे पसंद करेगी। जो मैंने कह दिया है कि से पंचायत में एक एसी वाला जो ताबूत होता है वो देंगे, जनता उसे पसंद करेगी। जो लॉकडाउन जैसे हालात में जो महामारी हुई थी और हमने जो मदद किया, कुछ करने की कोशिश किया, जनता उसे भी पसंद करेगी। जैसे रोड पर टूट गया था अपने निजी पैसे से अपना रिपेयर करवाना कराने का, और जनता उसे भी पसंद करेगी जो अपने मुआसरे में, अपने माहौल में जो नातपाती पैदा हो गया है उसको मिलाने का काम करेंगे, वो सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, अभी आपको जब से चुनाव चिन्ह मिला, आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? मेरा मक्का छाप मिला है। अच्छा, देसी भाषा में उसको मक्का ही बोलते हैं। अच्छा, कितना नंबर पे बटन है? 5 नंबर पे है। 5 नंबर बटन जी। जब से ये आपको मिला, आप और भी ज़्यादा दौरा किए होंगे अपने पंचायतों में, और आपके जो अपोजिशन वाले कैंडिडेट हैं वो भी दौरा किए होंगे, तो आपको क्या माहौल मिला वहाँ पे? देखिए, अपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं उनकी चाहत है, वो कहते हैं हर जगह कि मुझे डब्ल्यू से सिर्फ 1 वोट चाहिए ज़्यादा। अच्छा, 1 वोट ज्यादा, यानी उसको जीतने की चाहत नहीं है, सिर्फ आपसे 1 वोट चाहिए। कभी कहते हैं हम जलवारा में जब इससे 1 वोट ज्यादा लाएंगे, कभी बोलते हैं असराहा में लाएंगे, कभी बोलते हैं बड़ी में लाएंगे, पता नहीं ये कैंडिडेट करना क्या चाहते हैं। अच्छा। करना क्या चाहते हैं, उसका आखिर उनकी मनसा क्या है, समझ गए? नहीं तो जो कैंडिडेट इस तरह की बात बोलते हैं कि हम डब्ल्यू से या फलाने से 1 वोट ज्यादा लाना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट के बारे में जनता से निवेदन करता हूँ, इसको कतई नहीं वोट करें, जिसको जितनी ख्वाहिश है ही नहीं। आज से 2 साल पहले जब हम वर्क कर रहा था, जब मिशन हमारा वहीं से स्टार्ट हो गया था, तो मैं तो 0% पे था, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो है ही नहीं, मैं जमींदार आदमी हूँ, मिडिल क्लास का आदमी हूँ, इंसान के दर्द को, आवाम के दर्द को समझता हूँ, जाता हूँ, वही हो रहा है, इसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। जीत हार तो ऊपर वाला के हाथ में है। अच्छा, लेकिन मैं आज वो छाप छोड़ दिया हूँ कि लग रहा है कि हाँ, एक आने वाले दिनों में या अभी के दौर में एक नौजवान है, दमदार कैंडिडेट है, समझिए। क्या लगता है आप, जो 5 चुनाव अभी तक हो चुके हैं,
जिसके रिजल्ट आए हुए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के, उसमें पब्लिक ने जिस तरीके से पुराने जितने भी मुखिया थे, सरपंच थे, जिला परिषद तक सबको पलट दिया और नए लोग को चेहरा दिया, नए युवाओं को चेहरा दिया, क्या लगता है आपके उन सब से, आपको क्या लगता है यहाँ की जनता उससे क्या सीखी? पिछला जो जो भी पांच चरण खत्म हुआ है तो हमने जानकारी मिली, न्यूज में मिला है कि नौजवान की जीत हुई है। हाँ, नौजवान के जीत के साथ साथ जो पुराने कैंडिडेट जो पद पे थे उनकी हार हुई है। हाँ हाँ, कारण है, अब वादा तो चुनाव के टाइम में वादा की झड़ी लगा देते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कैंडिडेट हमारा कोई जिला परिषद है भी या नहीं है। ठीक है, लेकिन आज मेरी बात कर लीजिए तो आज के दौर में अभी तक यानी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तक मैं कहीं पे रोड़ी गिराने का काम किया हूँ, कहीं पे कुछ ना कुछ कराने का काम करते रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट जाते भी वोट मांगने के लिए, जहाँ पे बाढ़ का इलाका है तो बोलते हैं आए, बाढ़ में डब्लू आता है जो भी कुछ लेकर के, अब वो तुमको देंगे। अच्छा, ये कैंडिडेट की सिर्फ सिर्फ मनसा है कि मेरे ऐसा नौजवान अब मेरे ऐसा जो ना खुल के बात करने वाला कभी जीते ना कभी बने, इस तरह की लोग की मनसा है और जात पात पे लोग वोट मांगने लगा है। यहाँ तक के इंसान को बड़गलाने वाला है कि इसे हम पैसा पे खरीद लेंगे, इस तरह के दो चार दिन पहले के हमको रिपोर्ट भी मिला है। कोई बात नहीं, डब्ल्यू जितना भी भारी रह लेंगे, जितना समर्थन ले लें, लेकिन पैसे के बल पे मैं उसका सारा वोट खराब कर दूंगा। लेकिन जनता तो जवाब इस बार जिस तरीके से दे रही है, मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसके 500 पे आप लानत दीजिए, तो वापस कर दीजिए, ताकि आपका 500 रुपया आपका 5 साल का भविष्य न कहीं खराब कर, तब आप सोचिएगा कि मैंने ये क्या कर दिया। अच्छा डब्ल्यू जी, खास तौर से जिला परिषद का जो क्षेत्र होता है बहुत ही सीमित से भी सीमित होता है, शिक्षा स्वास्थ्य और एक दो सड़क का भी योजना उनके अधिकार में आता है, लेकिन सबसे शायद मुखिया और पंचायत समिति से भी मतलब बहुत छोटे दर्जे का ही जिला परिषद का योजना सब होता है। आपको कैसे लगता है कि इतने बड़े छः पंचायत में आप शिक्षा स्वास्थ्य पे किस तरह का काम कीजिएगा जीत के आते हैं तो? देखिए, सरकारी योजना जो होता है जो हमको मिलेगा उसको मैं धरातल पर लाऊंगा, ठीक है, जो भी मिलेगा। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश के साथ में और भी है ना, नेता के साथ में है, मुझे समाज के लिए और भी तो काम करना होता है। मैंने क्यों कहा कि अगर एम्बुलेंस दूंगा तो सरकारी फंड तो नहीं है? नहीं, वो तो सरकारी नहीं है। मैं रोजगार से जुड़ा हुआ, इसी में से तो पैसा बचा करके आवाम के लिए एम्बुलेंस ला दूंगा, दिल जीत लूंगा। उसके बाद से कहीं पे रोड टूट गया है बाढ़ में, तो सरकार के पैसे इंतजार थोड़ी करूंगा, नहीं तो लोहा अपने पैसे से कर दूंगा, क्या है, को टैक्स देते हैं तो चलो 2 रुपया कमाते हैं, तो अगर उसमें से 25 पैसा अगर आवाम पे खर्च करेंगे तो क्या है, ठीक ना। ये इस तरह का आवाम में मुआसरे में नेता होना चाहिए। क्या लगता है जो अपोजिशन में अगले बार जो चुनाव हारे थे वर्तमान जिला परिषद, क्या वो कभी विपक्ष में आकर के इस तरह का काम किए होंगे, आपको कभी कान में सुनाया गया है? देखिए, उससे पहले जिला परिषद थे तो उनको हमारे गाँव से लगभग 17-18 वोट दिए थे। अच्छा, एक ही साइड से मिला था, सिर्फ जलवारा पंचायत से। अच्छा, और उनको आवाम ने जिताया, हम लोग भी जिताए, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं होते। ठीक है, जब ये आप जब राजनीति कीजिएगा और किसी बड़े बड़े लोग का दरवाजा खटखटाइएगा ना, तो आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। अच्छा भाई, जो आदमी आपको फंडिंग करेगा, आपके लिए पैसा खर्च करेगा, तो जब आप जीतेगा तो उसके दबाव में काम कीजिएगा ना। बिल्कुल, रिमोट कंट्रोल वाला हिसाब हो जाएगा कि भैया अब हम तुमको जैसे बोल रहे वैसे करो। ठीक है, तो यही हालत है हमारे कुछ कैंडिडेट की, ठीक है, और इसीलिए इतना लड़ रहे हैं कि ठीक है डब्ल्यू से तो एक वोट ज़्यादा लाना है, लेकिन डब्ल्यू की जनता जिता रही है। चलिए, आखिरी में इस 3/2 जो जिला परिषद का क्षेत्र है, तमाम जनता वोटरों को खास करके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहते हैं, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको पैसे के बल पे, दारू के बल पे आपको खरीदा जाएगा, बांटा जाएगा, इस तरह की मानसिकता है नेता लोग की, तो इससे सावधान रहिएगा। उनको कहिए कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन डब्लू की तरह आप आइए, जैसे बाढ़ में आते हैं, जैसे परेशानी में आते हैं, इस तरह से पब्लिक का दिल जीतिए, हम आपको वोट देंगे, इस चीज़ से आप परहेज कीजिएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उस इंसान को पसंद करेंगे जो आपके दुख दर्द में आता है जाता है, बल्कि
जो आता है मिलता है जुलता है, और ऐसे नेता से बचिए जो घटिया किस्म की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, इन लोग से आप बच के रहिए। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है और बॉबी है। बॉबी साहब कहाँ के हैं? हम तो जलवाड़ा पंचायत के हैं। कभी तो यहाँ बाहर उड़ में दो तीन साल तो हम यहाँ पे आए लगातार, लेकिन कभी आपका नाम या नहीं देखो क्यों नहीं है? एकदम बाहर रहते हैं क्या? जी नहीं, हम यहीं रहते हैं और हमेशा डब्लू भाई के साथ बाहर हो में हम लोग ने घरे घर 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 जा कर के राशन बांटा हम लोग ने, जो भी बाढ़ में फंसे हुए थे सब। ये रोड रास्ता देख रहे हैं? नहीं, ये तो आप चले उनके सपोर्टर है, तो ये हमको ये बताइए शख्स कैसे है? बहुत अच्छे शख्स है। किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? अगर ये आ जाए, अगर इस क्षेत्र में ये आ जाए तो यहाँ जितना दलाली चलता है सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। और यहाँ विकास का काम होगा। आज ये देखिए हॉस्पिटल बंद है, ओपनिंग हो गया इसका, लेकिन ये हॉस्पिटल चालू नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारे डब्लू भाई जिला परिषद बन जाएंगे, इंशाल्लाह वो हॉस्पिटल को हम लोग खूब चालू रखेंगे। और डब्लू भाई ने वादा किया था कि एक एम्बुलेंस देंगे, और इंशाल्लाह और हम लोग चाहे जीत भी गए या हार भी गए तो, लेकिन इस पंचायत के लिए KUT 3/2 के लिए हम लोग एम्बुलेंस देंगे, ये तो हम लोग का वादा है।